गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जो मेरे दोस्त गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उनकी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो होता क्या है कि जो लास्ट समय जब वो टैक्स का भुगतान करना होता है, तो उनकी जो सारी की सारी सैलरी है वो टैक्स के भुगतान में चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने प्री प्लान नहीं किया होता है टैक्स को लेकर। अभी मैं एक फंक्शन को अटेंड कर रहा था तो मेरे एक दोस्त से बात हुई। उन्होंने कहा, भाई 2 महीने से तो मुझे तनख्वाह ही नहीं मिल रही, बड़ी दिक्कत तो हो रही है। बातों बातों में पता चला कि उन्होंने जो इनकम टैक्स है उसका भुगतान, यानी उसको लेकर पहले से प्लान नहीं बनाया हुआ था, और लास्ट टाइम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी जो सारी की सारी सैलरी है वो इनकम टैक्स में डिडक्ट कर ली। तो इस तरह से उन्हें कुछ पारिवारिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा फाइनेंस को लेकर। तो ये सारी बातें हैं। अगर आप जो टैक्स की प्लानिंग है वो LIC को लेकर शुरुआती दौर, यानी ये अब मार्च में आप टैक्स का भुगतान करके हटे हैं, तो अप्रैल के महीने से ही आप टैक्स को लेकर आप इस्टीमेट लगा सकते हैं। क्योंकि पिछले समय में भी जो आपका टैक्स कटा होता है उसको ध्यान में रखकर आप योजना बनाएं, और इस बार से शुरुआती अप्रैल से ही सेविंग करनी स्टार्ट कर सकते हैं। आप LIC में जो भी पैसा प्रीमियम के रूप में भुगतान करेंगे उसमें आपको टैक्स की दरों में छूट मिलती है। और आप इसके अलावा हेल्थ प्लान भी ले सकते हैं, उसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। तो ये दो जो चीज़ें हैं आप ध्यान में रखकर, अपनी आमदनी को ध्यान में रखकर LIC के प्लान ले सकते हैं। LIC में बहुत सारे प्लान अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप चाइल्ड प्लान अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान है। शेयर मार्केट में अगर आप खुद इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो LIC के माध्यम से आप, LIC के ऐसे प्लान अवेलेबल हैं जिसमें आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखकर LIC के साथ प्लानिंग कर सकते हैं। पेंशन प्लान अवेलेबल हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे पेंशन प्लान अवेलेबल हैं। आप जानते हैं कि अगर 60 साल पे आपकी रिटायरमेंट होगी तो जो आपकी पेंशन है वो सैलरी की लगभग आधी रह जाती है। तो आप एक LIC के साथ पेंशन योजना जब ले लेते हैं तो जो आपकी सैलरी आधी होने वाली है वो आपकी वैसे ही पूरी मेंटेन रह सकती है, अगर एक पेंशन आप LIC से भी ले लेते हैं। LIC में जिस हिसाब से आप पैसा देंगे उस हिसाब से आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। जीवन उमंग एक बहुत ही बेहतरीन LIC का प्लान है, जहाँ पर आप 60 साल से पहले ही अपने आप को रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। जीवन उमंग एक पेंशन प्लान तो नहीं है, पर एक पेंशन प्लान की तरह ही काम कर सकता है। यानी इसमें क्या होता है कि जब आप 15 साल इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आपको 8% ग्रांटेड ऐसे का पैसा मिलना शुरू हो जाता है, हर साल पेंशन के रूप में लगा लें या इंस्टॉलमेंट के रूप में लगा लें। दोस्तों एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसने 30 साल की उम्र में पॉलिसी ले ली, तो 45 साल में उसकी रिटायरमेंट मानकर चलते हैं हम, उसने और अगर 15 लाख का कवर लिया था तो 15 लाख के कवर में उसको 8% के हिसाब से 1,20,000 रुपये हर महीने पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, और ये लाइफ टाइम उसको मिलती रहेगी। तो जो भी मेरे दोस्त गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो इस प्रकार इस प्लान के साथ
अपनी 50 साल की उम्र से ही पेंशन शुरू करवा सकते हैं अगर वो इस योजना में निवेश कर लेते हैं। और जो उनकी सैलरी आधी होने वाली है वो सैलरी एज इट इज मेंटेन रहेगी। बहुत सारे दोस्त जो प्राइवेट जॉब भी करते हैं वो भी इस प्लान में निवेश करके, आप 40 साल 45 साल ही काम करना चाहते हैं। जो मार्केटिंग में लोग होते हैं उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो इतनी मेहनत सारी उम्र नहीं कर सकते, तो वो इस तरह जो जीवन उमंग है या और LIC की बहुत ही बेहतरीन योजनाएं हैं जैसे कि जीवन लाभ है, तो उसमें निवेश करके अपना जो पेंशन को लेकर है वो आश्वस्त रह सकते हैं और अपने परिवार को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा फंड जनरेट हो जाता है जब इन प्लान्स में निवेश करते हैं और लगातार आपको ये पैसा मिलता रहता है। आप भी जानते हैं कि डे बाय डे जो रिटर्न्स हैं वो डाउन जा रही हैं, पर LIC में जो भी आपकी पेंशन लगती है वो उसी रेट पर निर्धारित हो जाती है जिस समय वो आपको मिलना शुरू हो जाती है, वो लगातार वही रेट आपको सारी उम्र मिलना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स। और जो लोग मुझसे प्लानिंग करना चाहते हैं LIC को लेकर, वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेजेज कर सकते हैं 9888-538-761। दोबारा नोट कर लें 9888-538-761। थैंक्स।